हेलो स्टूडेंट्स, ये डिजिटल सर्किट का फिफ्थ लेक्चर है और जिसके लिए हम लिखते हैं वो डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स में हमने एंड और एंड नॉट किया था, फिर उनका रियलाइजेशन किया था यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। उसके बाद का टॉपिक था नैंड एंड नॉर गेट एज द यूनिवर्सल गेट। ठीक है, नैंड एंड नॉर को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले नैंड गेट और नॉर गेट को डिस्कस करते हैं, फिर वो यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। नैंड जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉट एंड, पहले एंड होगा फिर नॉट होगा, मतलब एंड एंड नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका नैंड गेट बना रहा है। क्या है, पहले एंड कीजिए इनपुट का और फिर आपका उसके बाद नॉट कीजिए, तो बन जाएगा नैंड गेट। सिंबल क्या है इसका, देखिए ये एंड गेट था, इस पे आप लगा देते हैं नॉट गेट। ठीक है, फिर ए एंड बी आपका इनपुट है, तो एंड क्या हो गया, ए डॉट बी, ये एंड आपका ए डॉट बी हो गया। और आपका नॉट करेंगे एंड बी का तो क्या जाएगा आउटपुट, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का नॉट, मतलब बार। एंड मैंने बताया था डॉट से इंडिकेट करते हैं, ए डॉट बी हो गया, और नॉट के लिए बताया था कि बार होगा। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये आपका फाइनली नैंड गेट का एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉट की जगह सिर्फ यहाँ आप ऐसे डाल दीजिए तो ये नैंड गेट का काम करेगा। ये वाई हो गया, ए हो गया, एंड बी और कर देते हैं इसको। सो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अब ट्रूथ टेबल के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करनी है, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा। इनपुट में आपके पास दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी, और आउटपुट में आपके पास वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का मार्क। ठीक, कॉम्बिनेशन चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 का एंड आपको याद होगा, 0 0 का एंड करते हैं तो 0 आता है, और 0 का फिर नॉट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 0 1 का एंड करेंगे तो 0 आता है, फिर उसका नॉट करेंगे तो 1 आएगा। 1 0 का एंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 1 आएगा, और 1 1 का एंड करेंगे तो 1 आएगा और उसका फिर नॉट 0 होगा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो एंड गेट नॉर और गेट वाला आप देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर में। एंड गेट क्या होता है कि 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, 1 1 1 होता है। अब उस एंड को आप नॉट कर देंगे तो यहाँ 0 0 0 आया था, सब 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आया था तो 0 हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन में इसका हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का डॉट। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ट्रू कब होगा, वाई इज ट्रू, वाई इज ट्रू इफ वाई इज ट्रू व्हेन या उल्टा लिखें तो बेहतर होगा, ट्रू में कि वाई इज फॉल्स, ट्रू की जगह कर दिए फॉल्स, ज्यादा आसान हो जाएगा लिखना। वाई इज फॉल्स व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू,
वाई इज फॉल्स ओनली वेन, ओनली वेन देख लीजिए, जब दोनों वन वन इनपुट है तभी आपका आउटपुट जीरो आ रहा है, ट्रू ये हो गया। एंड बुलियन एक्सप्रेशन इन बुलियन अलजेब्रा अलजेब्रा NAND is indicated by bar on AND AND के लिए क्या यूज किए थे डॉट वाइज का, टू ए डॉट बी है वही लिखना चाह रहे हैं हम कि वाइज का एंड पा एंड का बार मतलब एंड का नॉट गिवन बार ऑन एंड डॉट, डॉट मतलब एंड के दो के डॉट से आप दिखा रहे हैं। चलिए ये हो गया, अब हम नैंड गेट हमारा हो गया, कुछ भी नहीं है बस इतना ही जानना है आपको नैंड गेट के लिए एंड एंड नॉट। अब आ जाते हैं नॉर गेट पे, नॉर गेट, नॉर गेट में आपका वही काम करना है, पहला सिंबल होगा फिर ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन, तो सिंबल में यहां क्या हो जाएगा, पहले और का नॉट करना, और प्लस नॉट और प्लस नॉट, ठीक और कीजिए और फिर नॉट कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा नॉट। सिंबल में आप और का ले लीजिए पहले, ये इस पर नॉट कर दीजिए, ये नॉट हो गया, तो इनपुट मान लीजिए ए बी ले रहे हैं तो ए बी का और क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो गया, और का ए प्लस बी का बार कर दीजिए, तो आपका आउटपुट हो गया वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। और इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, और हो गया ये इस पे गोले लगा दीजिए, ये आपका नॉर का इंडिकेशन है ए बी और ये वाई इक्वल टू हो गया ए प्लस बी का बार, ठीक है ये आपका नॉर गेट का सिंबल हो गया। ट्रूथ टेबल के लिए आपको ये करना है क्या, ट्रूथ टेबल होगा ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट का कॉलम हो गया, इनपुट आउटपुट, इनपुट में आपके पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, आउटपुट में आपके उस वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार हो गया, कम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, यही चार कम्बिनेशन बनते हैं, दो इनपुट है तो चार कम्बिनेशन बनेगा आपके पास। तो कैसे बनता है आपको ध्यान रखिएगा 2 का पावर 2, अगर 3 इनपुट होंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा मतलब 8 बनेगा, अगर 4 होगा 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 इनपुट बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो 0 0 है, अब देखिए यहाँ पे 0 0 का और आपको पता है और क्या होगा, 0 0 का 0 होता है, और का जब 0 का नॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका, 0 1 है और करेंगे तो ये 1 1 1 आएगा तीनों में, और उसका नॉट कर दीजिए तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ठीक। और बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन है इसके लिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, तो क्या है आउटपुट आपका ट्रू कब हो रहा है, जब इनपुट दोनों फॉल्स है बाकी टाइम में जीरो हो रहा है, मतलब ले सकते हैं दैट इज वाई मतलब आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर फॉल्स,
आपको बताया था ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, ऑन ऑन ऑफ का क्या मतलब है, लो हाई का क्या मतलब है, मतलब वन को ले रहे हैं हाई पॉजिटिव ट्रू, और जीरो को ले रहे हैं फॉल्स नेगेटिव लो। तो हमारे पास जो आउटपुट है उस हिसाब से लिखा, और इन बुलियन अलजेब्रा क्या होगा, बुलियन अलजेब्रा नॉर इज इंडिकेटेड बाय नॉर गेट इज इंडिकेटेड बाय बार ऑफ और, बार ऑफ और मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव प्लस, और मतलब प्लस दिखा रहा है, प्लस का फिर बार कर देंगे। ये हो गया आपका नॉर गेट। अब हमारे पास जो मेन इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि नैंड एंड नॉर गेट को आप यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, उसको रीड करते हैं। नैंड और नॉर तो आप 12th में भी आपने ये जो बताया वो पढ़ा हुआ था, यूनिवर्सल वाला भी शायद पढ़ा होगा, बट हम कुछ उसमें गेट्स बना के दिखाएंगे। तो पहले हम लेते हैं नैंड एंड नॉर गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, क्यों? बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल द गेट्स मतलब और एंड नॉट, और अगर जोर एक्स नॉर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में अगर नैंड लिया है तो नॉर, और अगर नॉर लिया है तो नैंड, इसको यहां लिखते हैं नॉर एंड नैंड। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि अगर नैंड गेट से बनाना चाह रहे हैं तो और बन जाएगा, एंड बन जाएगा, नॉट बन जाएगा, जोर बन जाएगा, एक्स नॉर बन जाएगा और नॉर बन जाएगा। फिर नॉट नॉर गेट से बनाना है तो और बन जाएगा, एंड बन जाएगा, नॉट बन जाएगा, जोर बन जाएगा, जे नॉर बन जाएगा और नैंड बन जाएगा। मतलब ये यूनिवर्सल गेट कहने के पीछे इसका रीजन यही है कि बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल द गेट्स यूजिंग आइदर ना आइदर नैंड और नॉर, और नॉर को यूज करके भी हम सारा गेट बना सकते हैं और नैंड को भी यूज करके सारा गेट बना सकते हैं, यही वजह है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। अब हम पहले नैंड गेट को देखते हैं कि नैंड गेट से क्या कैसे कैसे बनेगा नैंड गेट। तो देखिए यहां पे हम आपको और एंड नॉट बना के दिखाएंगे, ठीक है, और जो एक्स एक्स और एक्स नॉर है जो हम एक्स और एक्स नॉर पढ़ाएंगे उसके बाद से नैंड नॉर से कैसे बनाना है वो दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो नैंड गेट से हम एक एक करके बनाते हैं। नैंड गेट से पहले आप क्या बनाना चाहेंगे, नैंड गेट से कोई भी स्टार्ट कीजिए, नॉट पहले स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमको नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपका नैंड गेट है, नैंड गेट हो गया। अब इसका इनपुट को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये ए था, मान ली यहां भी है यहां भी है, तो आपका नैंड क्या होता, ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए मतलब ए आया, ए का बार, ए का बार। देखिए नॉट का भी प्रॉपर्टी है, आपने जो लिया उसका बार हो जाता है, तो आपके पास ये नैंड गेट यूज करके आपने नॉट बना लिया। एक नैंड गेट यूज किया वो एज ए काम कर रहा है नॉट गेट। अब इससे अगर मान लीजिए आप एंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो दो नैंड गेट लीजिए, एक नैंड गेट हो गया एक, इसका आउटपुट दूसरे नैंड गेट में डालिए,
तो ये आपका काम करेगा एंड की तरह, ए एंड बी ले लिया, ठीक है। ए बी का एंड क्या होगा, ए डॉट बी का बार, और उसका नॉट करेंगे तो ए डॉट बी का बार का बार हो गया, ठीक। और अभी आपको बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ाए हैं, बूलियन अलजेब्रा में प्रॉपर्टी होता है कि बार का बार आपका वही चीज आ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू ए डॉट बी, एंड हो गया। अगर आपने एक बार बार किया तो ए बार हो गया, ए बार का फिर डबल बार करेंगे तो वो ए हो जाएगा, फिर ए डॉट बी का बार किया फिर बार किया तो ए डॉट बी हो गया। तो देखिए ए बी आपने लिया है, दोनों एंड गेट यूज किया, ये कैसे बिहेव कर रहा है आउटपुट आपका एंड गेट की तरह। तो आपने नॉट दोनों एंड यूज करके एंड बना लिया, एक नैंड को हम इनपुट ज्वाइन करके नॉट बना लिए थे, अब और कैसे बनेगा, सो देखिए और गेट कैसे बनेगा। इसे और गेट बनाने के लिए तीन नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा आपको, ये एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, और इसके इनपुट को ज्वाइन कर दीजिए, इसके इनपुट को भी ज्वाइन कर दीजिए, और ये आपका फर्स्ट इनपुट यहाँ पे दिया हमने, सेकेंड इनपुट यहाँ पे दिया बी, ठीक है, ये दे दिया बी दे दिया। अब इन दोनों को यहाँ पे नाइन गेट जीरो भी होगा, ठीक है, इन दोनों को फिर एक नैंड से कनेक्ट करेंगे, ये नैंड गेट हो गया, ठीक है, ये आपका आउटपुट वाई हो गया। अब चेक करते हैं कि ये आपका और किस तरह काम करता है कि नहीं करता है। ए का नैंड करेंगे जो कि नॉट वाला आ रहा है, नॉट ऐसा ही बनाया था ना, इनपुट को हमने ज्वाइन कर दिया था, तो ये ए बार हो गया, ये आपका बी बार हो गया। ए बार बी बार का आप नैंड करेंगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एंड किए पहले ए बार बी बार का, और फिर उसके ऊपर बार लगा दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे आपको शायद अभी अगला स्टेप समझ में नहीं आया, वो भी वो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डी मॉर्गन्स ला का, ठीक है, डी मॉर्गन्स ला का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो आपको हम बताएंगे कि इस तरह का अगर होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी फिलहाल ये जान लीजिए, जब हम उसको प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स ला बताएंगे तो आपको बताएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डबल बार प्लस बी डबल बार, और डबल बार का मतलब हो जाता है ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब बार आपका हो गया क्या। इस तरह से देखिए आपका और गेट आ गया, वाई इक्वल टू ए प्लस बी मतलब और गेट। तो अभी हमने क्या देखा, नैंड गेट यूज करके हमने नॉट बना लिया, एक नैंड गेट से नॉट बन गया, दो नैंड गेट हमने यूज किया तो एंड बन गया, तीन नैंड गेट यूज किया तो और बन गया, ठीक है। अब आपको इसे नॉर बना के दिखाते हैं, ठीक है, नॉर बनाने के लिए क्या आपको चार गेट का जरूरत पड़ेगा, तो चार गेट, नॉर बना रहे हैं। नॉर गेट में आप क्या करेंगे, नॉर गेट बनाने के लिए नैंड कितना लिया, एक नैंड यहां लिया, एक नैंड यहां लिया, दो नैंड, और एक नैंड अभी हम यहां लेके आए थे, तीन नैंड, और इसके आगे फिर एक नैंड ले लेंगे, चार नैंड, ठीक है। जो अभी हम और बनाए थे उसमें एक और नैंड गेट लगा देंगे तो नॉर बन जाएगा हमारा। तो ये हमने क्या किया था, इसके इनपुट को कंबाइन किया था, इसके इनपुट को कंबाइन किया था, तो ये ए हो गया था, ये बी हो गया था, ठीक, ए हो गया, बी हो गया, और ये नैंड गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट, नैंड गेट। अब इसका जो आउटपुट है वो इसमें डाल दीजिए, और इसका जो आउटपुट है वो भी इसमें डाल दीजिए, और इसके इनपुट को ज्वाइंट करते हुए इसमें डाल दीजिए, ये आउटपुट जो देगा वाई आपका वो नॉर गेट का होगा। देखिए कैसे ए है तो ये ए बार हो गया, ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये बी बार हो गया, ए बार बी बार का हमने भी नैंड किया अभी हम देख चुके हैं, तो ए बार बी बार का नैंड मतलब डॉट हुआ और उसका बार हुआ, ये भी हमने ए किया था ना, ए डॉट बी का बार मतलब ए बार बी डॉट बी बार का ये डॉट है, और ये आपके पास आया था कितना, इसको तोड़ के भी हम सिंप्लीफाई करके क्या लेके आए थे, ए प्लस बी बेसिकली,
और ए प्लस बी का फिर नैंड करेंगे तो ये आपका नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, हो गया ना, और का नॉट नॉर हो गया वाई इज इक्वल टू। तो और अभी हमारे पास एक्स और एक्स नॉर जो है वो बचा हुआ है, वो भी मैं आपको नहीं बता रहा, वो भी बना के दिखाऊंगा। और चूंकि मैंने आपको एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और एक्स नॉर नहीं बताया, ये दो गेट है, ये भी बनेगा एक्स और बी नैंड से बना के बन जाएगा और एक्स नॉर भी, पर अभी मैंने आपको नहीं बताया ये, इसलिए इसको अभी नहीं बना के दिखाऊंगा। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों को करेंगे तो फिर नैंड और नॉर से दोनों को बना के दिखाएंगे, जोर को भी और एक्स नॉर को भी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर गेट में सारे बन गए, सो अब लिख सकते हैं 10 वन कैन कंस्ट्रक्ट ऑल द गेट्स, मतलब कौन कौन सा, और एंड नॉट नॉर जोर एक्स नॉर यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। दैट्स व्हाई नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। सिमिलरली हम नॉर गेट के साथ कर सकते हैं, सिमिलरली हमको नॉर गेट यूज कीजिए, ठीक है। नॉर गेट यूज करेंगे और उसे सब कुछ बना के दिखाते हैं आपको। तो नॉर गेट से पहले नॉट गेट बनाएंगे, जैसे वहां बनाया था पहला हमने क्या नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट से क्या होगा, सिंपली नॉर का हमारे पास क्या था, और गेट का नॉर किए थे, इसका दो इनपुट है, इसको कंबाइन कर देते हैं, तो ये इनपुट ए हो गया, इसका बार ए बार हो गया, वाई इज इक्वल टू ए बार बन गया नॉट। सिर्फ इनपुट नॉर गेट का इनपुट कंबाइन कर देंगे तो हमारा वाई इज नॉट गेट बिहेव करेगा। सेकेंड हमको बनाना है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में क्या है आपके पास, देखिए यहाँ एंड गेट के लिए आपको तीन लेना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे है, एक दो और एक यहां लेंगे, दो इनपुट यहां पे लिया, ये इनपुट यहां पे लिया, इनको कंबाइन कर दिया और इन दोनों का जो है इनपुट यहां पे ले लेते हैं। अब देखिए क्या आता है आपके पास, ए लिया हमने, बी लिया, वाई निकालना है, एंड की तरह बिहेवियर आता है कि नहीं। ए हो गया, ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, देखिए ये वाला गेट है नॉट गेट, ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, ए बार बी बार का हम नॉर करेंगे, तो नॉर मतलब और करो और फिर नॉट कर दो, और कर दिए ए बार बी बार का और फिर नॉट कर दिए। तो बुलिन जो भी मैंने डिमार्कस थ्योरम आपको कहा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको यूज करते हुए ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा ए बार बी बार ऐसे, ठीक है। वो मैं जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है। तो बेसिकली जब यहाँ पे एंड और रहता है तो एंड हो जाता है, एंड रहेगा तो और हो जाएगा, वहां भी मैंने क्या किया था एंड था तो और कर दिया था, तो ये ए बार के पास ए डॉट बी आ गया, तो एंड गेट बन गया। नॉर से हमने नॉट गेट बना लिया, एंड गेट बना लिया, अब हम और गेट बनाते हैं। और गेट बनने के लिए मुझे दो जरूरत पड़ेगा नॉर गेट का, एक नॉर गेट और इसका इनपुट यहां पे डाले दूसरे नॉर गेट में, और इनपुट हमने डाला है ए बी। ये वाई आपके पास और किस तरह बिहेव करेगा, देखिए ए बी है, इसका नॉर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉर मतलब और एंड नॉट, बी का नॉट और फिर उसका नॉट कीजिए, सॉरी सॉरी, और नॉर करे तो प्लस होगा ना, नॉर क्या है और का नॉट, तो और का नॉट ये हो गया,
और इसका फिर से नॉट कर देंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी का नॉट, फिर एज नॉट गेट बिहेव कर रहा है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, तो और गेट भी बन गया आपका। तो हमने नॉर गेट यूज करके नॉट बना लिया, एंड बना लिया, और बना लिया। अब हम नैंड गेट बना लेते हैं, तो नैंड गेट में बनाते हैं। नैंड में क्या है, जो हमने एंड में किया था एक और नॉर लगा देंगे, तुम्हारा नैन बन जाएगा। क्या किया था हमने, एक दो, और यहां लेके आए थे तीन, एक यहां डाल देंगे चार। देख दीजिए जो हमने अभी एंड बनाया था ना, उसी को ले रहे हैं। ये एंड हो गया, ये बचा, और इसका इनपुट आउटपुट, इसका इनपुट हो गया, और इसका आउटपुट, इसका इनपुट हो गया। एक इनपुट, दो इनपुट, हमने ए दिया, बी दिया, ठीक है। तो एज ए नॉट गेट कर रहा था, ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। ए बार बी बार का आप नॉर करेंगे तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का बार। और उसका फिर डबल बार कर देंगे, तो इसको आप डिमॉर्गन्स लॉ यूज करके निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डबल बार, ठीक है। मतलब इसको मैंने थोड़ा डिमॉर्गन्स लॉ लगा के, तो ए बी आ गया। अब ए बी का आप कर देंगे नॉर, तो क्या आ जाएगा, ए ये एंड हो गया, इसका नॉट, ये आपके पास आ गया नैंड गेट। इसी तरह से हम एक्स और भी बना सकते हैं नैंड गेट से, और एक्स नॉर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आपको एक्स और बताऊंगा और एक्स नॉर बताऊंगा, उस समय मैं नैंड और नॉर गेट से एक्स और एक्स नॉर दोनों बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। और चूंकि इसमें मैंने यूज किया, हालांकि मुझे पहले बताना था, फिर भी मैं एक बार डिमॉर्गन्स लॉ को हिंट कर दे रहा हूँ आपको, जब हम डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ आपका क्या था, डिमॉर्गन्स, ये आपको हम बताएंगे जब बूलियन अलजेब्रा, तो बताएंगे डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। अगर ए प्लस बी का बार है, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, और अगर ए डॉट बी का बार है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। एक ये, और एक लॉ कंप्लीमेंट वाला है कि अगर ए बार है, ए का डबल बार होता है, तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग आज यूज किए हैं, इसलिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक। आप जितना भी नॉर नॉर नैंड से बनाते, जहां प्रॉपर्टी यूज किए थे, तो इसी को यूज करना है, कभी इसको यूज करना पड़ा, कभी इसको यूज करना पड़ा। तो हमने आज क्या देखा, आज हमने नैंड बनाया, नॉर बनाया, और फिर नैंड से सारे गेट बनाए, और नॉर से फिर सारा गेट बनाया, इसलिए हम नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि शो दैट नॉर गेट एंड एंड गेट बिहेव्स एज यूनिवर्सल गेट या दिस आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, तो पहले नैंड नॉर को डिफाइन कर दीजिएगा क्या है टेबल के साथ, उसके बाद ये सारे गेट बना के दिखा दीजिएगा, नैंड से, नैंड गेट से बना कर दिखा दीजिए, फिर नॉर गेट से बना कर दिखा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर पूरा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम जोर और नॉर वाला नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।